मैं गाइस कैसे हो आप सब। सो भाई आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। पीछे हमारे स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर को हम एक अलग ही तरीके से मॉडिफाई करने जा रहे हैं। होप कि आपको ये चीज़ पसंद आए, शायद यूट्यूब पे ये किसी ने किया ना हो। तो ये अपने पास है KTM की फ्रंट फोक, अपसाइड डाउन है, USB फोक है। तो इन फोक्स को हमने थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है, इनमें थोड़ा सा इनमें मॉडिफिकेशन किया है। क्या किया है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। और इनको हम इंस्टॉल करेंगे स्प्लेंडर में। और एक लाइट है हमारे पास, उस पर हमने थोड़ा सा काम किया है। ये लाइट है और ये लाइट को लेके थोड़ा सा काम हुआ पड़ा है, ये सारा मैं समझाऊंगा। तो इस तरह की फिटिंग स्प्लेंडर पे होगी। तो स्प्लेंडर में हम अब हमारी जो अगली वीडियो है वो स्प्लेंडर की मॉडिफिकेशन पे आएंगी। तो होप कि आपको पसंद आएगा। लेकिन गाइस मैं पहले आपको बता दूँ, जो नए व्हीकल एक्ट के अंडर जो रूल्स आए हैं, मॉडिफिकेशन बिल्कुल बैन है गाइस। आप ना तो हॉर्न के साथ कुछ छेड़खानी कर सकते हो, ना साइलेंसर के साथ, ना लाइट के साथ। हाँ थोड़ी सी अगर आपको चाहिए तो आप बल्ब चेंज कर सकते हो उसका, लेकिन आप जो वाइट लाइट है वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते 95% जो बाइक के साथ छेड़खानी है वो बंद हो चुकी है। तो आप लोग मत ट्राई करो, हम लोग करते हैं। ये जो आपने देखा ही होगा भाई, मेरा हर वीडियो में आपको दिखता है, ये AC की बाइक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ YouTube की वीडियो के लिए पंगे करते हैं। हम मॉडिफिकेशन अब नहीं कर रहे किसी भी बाइक की, किसी कस्टमर की। तो किसी को पार्ट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात कि आज स्प्लेंडर मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए, होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट। को फिट करने के लिए कंप्लीट ठीक है। सर मैं आपको बता दूं इसमें हुआ क्या है, ताकि कभी आपको करना पड़े तो आप करवा सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रोड है सेंटर वाली, जो चेसी के बीच में जाएगी, ये कस्टम फिट की गई है, स्प्लेंडर के लिए बनाई गई है पूरी की पूरी। अगर यहाँ से मैं नीचे से दिखाऊँ आपको, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ से ओरिजिनल KTM की निकाल दी गई है और इसमें कस्टम स्प्लेंडर की बना के उसको फिट किया गया। और ये पूरी की पूरी कस्टम है गाइस, और ये स्प्लेंडर की जो ओरिजिनल टी होती है ना, सेम वैसी ही बनी पड़ी है। तो बस इतना सा काम, और दो तीन काम और है यहाँ से खराब किया गया, ताकि जो टर्न लेने के लिए लॉक हैं वो प्रॉपर हो जाएं। तो इस तरह से थोड़े बहुत अल्ट्रेशन है जो किए गए हैं, और बाकी सब स्प्लेंडर का ही फिट हो जाएगा इसमें। चलिए जल्दी से इसको फिट करते हैं, देन आपको एक लुक दिखाते हैं। और आज की वॉक हमारे इंस्टॉल हो गया, टी हमारी इंस्टॉल हो गई, ये सारा का सारा सिस्टम KTM का था, बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे आएगा हमारा मीटर, मीटर की फिटिंग है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बड़ा मीटर भी कर सकते हो, दो स्क्रू है, बट हम सिंगल मीटर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं साइड में इस तरह से, ठीक है। और हेडलाइट, ये वाली हेडलाइट है हमारी, ये इंस्टॉल करेंगे। थोड़ी सी फिटिंग इसमें और करनी है अभी, थोड़ा सा हमें शॉर्ट लग रहा है, ये जैसे 90 डिग्री पर हमने एंगल बनाया है, इसको थोड़ा सा और बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लाइट नीचे रह रही है। सो एक बार ये सारा करके इंस्टॉल करके आपको लुक दिखाते हैं। और टैंक हम बजाज विक्रांत का, जो लास्ट टाइम हमने एक बाइक स्प्लेंडर को मॉडिफाई किया था, सेम वही टैंक लगाएंगे। सो टैंक लगा के और लाइट लगा के आपको लुक दिखा देंगे आज। हैंडल इस पर लगेगा रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि कोई और ब्रॉड हैंडल लगाएंगे तो इसकी वायरिंग छोटी पड़ जाएगी। सो हम इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, सो जितना बजट में हमारे हैं उस हिसाब से करें।
टोटल कितना खर्चा होगा वो एक बार मैं आपको मॉडिफिकेशन के बाद आपको बता दूंगा, फिर भी अगर किसी को पूछना है तो आप मेल कर सकते हो, मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है तो मेल में आपको बता दूंगा। चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं, इसकी फिटिंग करते हैं और टैंक रख के जस्ट एक ऊपर रख के आपको एक बार लुक दिखाते हैं कैसी बनी। ऑलराइट गाई, ये लुक है मड गार्ड, इसमें कस्टम लगेगा। आज बहुत टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, एक दिन में नहीं काम कर पाएंगे सारा का सारा। तीन चार पार्ट्स में ये वीडियो आएगी और आपको कंप्लीट लुक इसकी मिल जाएगी। लेकिन जो ये सीरीज़ है स्प्लेंडर की, बहुत ही ऑसम होने वाली है, बहुत ही अच्छी बाइक बनने वाली है। और मेरा पर्सनली, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल, तो वीडियो में पता नहीं कैसी लग रही है। तो मैं भाई को बोलूँगा, ये हमारा टैंक है जो हमने लास्ट टाइम स्प्लेंडर बनाया था उस पर लगाया था, वो हमारी बाइक थी, वो बना के हमने फिर से स्प्लेंडर बना ली थी उसको। सो इसको एक बार लगाए इस पर और आपको लुक का आइडिया हो जाएगी किस तरह से लुक आएगी, कितनी ब्रॉड आएगी। सो अभी आप देख सकते हो क्या लुक बन रही है भाई। सो अगर आपको कुछ करवाना हो, अगर आपको स्प्लेंडर प्रॉपर तरीके से बिना चेसी को तोड़े मॉडिफाई करना हो, ताकि कल को आप उसको फिर से प्रॉपर स्प्लेंडर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, तो भाई ये सबसे बेटर ऑप्शन है। कुछ छेड़खानी नहीं, कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ चेसी के साथ, और लुक देखिए क्या लग रही है बाइक की, कुछ और लग रही है। और सीरियसली गाइस, बहुत अच्छी लुक लग रही है, जो लास्ट टाइम हमने स्प्लेंडर बनाया था उससे तो कहीं बेटर लग रही है मेरे को अभी लग रहा है। सो होप कि आपको भी पसंद आई होगी। सो आज सिर्फ हम आपको लुक ही दिखाएंगे, बाकी का काम अब कल करेंगे, क्योंकि अब तो 8 बज रहे हैं सुबह के, सो हमें ऑफिस भी निकलना है। सो चलिए, कैसी लगी वीडियो ये बताना ज़रूर, इसका क्या प्राइस है क्या नहीं वो आप मेल कर लो, मेल में ही मैं बताऊँगा, मैं कमेंट में नहीं बताऊँगा, ओपनली नहीं बता सकता गाइस। आप मेरे को मेल कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। आपको किट पूरी की पूरी अगर चाहिए तो हम बना के देंगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है गाइस, ये नहीं कि बहुत कॉस्टली है ये कुछ ऐसा है। अगर चाहिए होगी तो आप हमें मेल कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।